नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, जबलपुर पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नए मोबाइल सस्ते दामों पर बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने इन आरोपियों के पास से ब्रांडेड कंपनियों के तकरीबन 36 मोबाइल भी जब्त किए हैं। इन मोबाइलों की कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए आकी गई है। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया है। गढ़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि पिजहारी की मीडिया के पास एक व्यक्ति ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल लेकर बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने जब वहां पर जाकर देखा तो 3 व्यक्ति मोबाइल लेकर ग्राहकों को बेचने की फिराक में खड़े हुए थे। पुलिस ने जब उन्हें पकड़कर थाने में पूछताछ की तो उसने बताया है कि चोरी के मोबाइलों के बारे में पुलिस को सच्चाई बता दी। दीपक मरावी, सुनील और छोटू सेन ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइलों को चुरा कर लोगों को सस्ते दामों पर बेचने का काम करते थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि दीपक मरावी मधुर कुरियर में काम करता था और वहां पर जो भी पार्सल आया करते थे उसमें से वो गायब कर दिया करता था। गायब पार्सलों में महंगे मोबाइल होते थे जिनमें ये आरोपी बड़ी ही चालाकी से लोगों को बेच दिया करते थे। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 36 मोबाइल जब्त किए हैं जिसकी कीमत करीबन 4 लाख रुपए बताई जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये एक कंपनी है पूरी। पूछेंगे ना, मुझे पूछेंगे तो बताएंगे क्या सर। पेन दो, पेन पेन तो ये बोलो ना सर। अरे यार भाजी को कुछ मोबाइल मिले हैं चोरी के, क्या आज कल लगभग 12 बजे करीब मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई एस आई जगदीश को कि कोई व्यक्ति जो है पिछनानी के मलिया के पास कुछ नए मोबाइल लेकर बेचने के फिराक में है। तो मुखबिर की सूचना पे पहुंचने पर वहां 3 व्यक्ति मिले। संदेह हालत में उनके थैले चेक किए गए तो कुछ मोबाइल वहां मिले और उनका नाम पता पूछे जो दीपक मरावी, बंदरिया कुंडम, सुनील हनुमानताल और छोटू सेन नाम के व्यक्ति 29 क्षेत्र के मिले, जिनसे पूछताछ की गई और उनके कब्जे से 36 करीब 20 मोबाइल जो हैं वीवो के और बाकी मोबाइल सैमसंग और अप्पो कंपनी के मिले हैं और ये लगभग 4 लाख रुपए के मोबाइल हैं, नए मोबाइल अधिकांश हैं और इनको बरामद करके और इस संबंध में थोड़ा जानकारी पता की गई तो 20 मोबाइल ने से जाना पता चला। ये जो संदीप दीपक मरावी है ये मधुर कुरियर कंपनी में काम करता था और ये वहाँ जो पार्सल अलग अलग जगह के लिए आती थी वो पार्सल बीच से गायब कर देते थे और वो मोबाइलों को ये लोगों को सस्ते दामों में बेच देते थे। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।